इतना साधक और अभ्यासी होता हुआ भी बाजे वक्त ये जो सांकड़ मोड़ है ये अपनी तरफ खींचते हैं। क्यों? हम इस जिस्म में रहते हैं, हमारी जिंदगी की जरूरतें हैं, दुनिया की जरूरतें हैं हमारी, जिस्म की कमजोरी है, बीमारी है, मैं इसलिए पर आया कि जिस पर दया आद करता की वो ये नियामत पाई। आद करता की सबसे बड़ी दया क्या है कि उसका शरीर स्वस्थ रहे, उसकी रोटी की जरूरतें पूरी होती रहे, उसके हालात और वाकयात जो हैं ये ऐसे अनुकूल रहे कि दूसरे आदमी उस पर नाजायज रोब डालकर उसकी तवज्जा को जुल्म से, सतम से या अपने प्रेम से अपनी तरफ न खींचे। मेरे लफ्जों को याद रखो, शरीर स्वस्थ रहे, जिंदगी की जरूरतें जीविका की ठीक रहें, दूसरे आदमी उस पर जुल्म और सतम करके उसकी तवज्जा को अपनी तरफ ना लगाए या अपने प्रेम से उसको अपनी तरफ ना लगाए। जिसके ये हालात फेवरेबल होते हैं, जिसके ये हालात कुदरत ही कर देती है, वो इस मंजिल में जाके अमर पद तक ठहर सकता है। ये मेरा अनुभव, मुझ पर इस वक्त तक दाता की ये दया है। गो में गरीब रहा मगर रोटी खाने को मिलती है, इस वास्ते मैंने इंसान बनू की आवाज उठाई। सबसे पहले हर एक आदमी को अपनी जीविका का बंदोबस्त करना चाहिए। परागंदा रोजी परागंदा दिल, जिसकी रोजी का सामान नहीं है वो लाख कोशिश करे उसका मन ठीक नहीं रह सकता। जिसकी अटैचमेंट ताल्लुकात कम हो, मालिक ने मुझ पर दया कर औलाद वो मैंने भी 5-6 पैदा किए, मर गई एक लड़का, अब 2 लड़कियां गर्भपात। लड़का अपने सुखी है, लड़की अपने सुखी है, एक लड़की है घर में, उसका भी इंतजाम दाता ने कर दिया हुआ, तब मैं सुखी हूं। रह गया सत्संगी, बाजे वक्त ये दुखी लोग तुम्हारे हो, तुम्हारे दुख की तरफ खींच करके मैं भी अपने मर्ज को छोड़कर तुम्हारे साथ दुखी होता नहीं। ये मेरा तुम्हारे साथ दुखी होना भी मुझको अपनी मंजिल से गिराता है। जब इंसान इस अमर पद में चला जाता है, कोई महापुरुष वो गुरुवार नहीं करता, नाम नहीं देता। ये मैं आपको राग बताया, स्वामी जी महाराज इसी उम्र में कोई जाता
राय साहब राय साहेब राम के पास कही देते उनके पास जाओ। क्या कह रहा हूँ